हाय, मेरा नाम अखिल भाटी। वेलकम बैक टू अ वंडरफुल सेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। साथियों, आज का ये हमारा सेशन फिजिक्स का काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ जिसको क्लियर करने पर आपका एक नंबर पक्का होने की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वे कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट से बन ही जाते हैं। तो शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको फिजिक्स का एक संपूर्ण कंप्लीट कोर्स आपको मिल सके। और आप रेगुलर अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बिना नोट्स का सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अभी नहीं कह रहा, मैं आज आप मेरे से पूछोगे अब भी यही कहूँगा कि बिना नोट्स का सिलेक्शन नहीं होगा, और 3 महीने के बाद भी यही बोलूँगा कि बिना नोट्स का सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बिना नोट्स का सिलेक्शन होता नहीं है साथियों। तो चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ शानदार टॉपिक जिसका नाम है चुंबकीय आवूर्ण, या इसको बोल देते हैं, इसको एक नाम से और बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आवूर्ण, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। साथियों, इसका इंपॉर्टेंट मकसद क्या है, इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि अगर ध्रुवण प्रबलता लंबवत कटेगी कोई चुंबक तो ध्रुवण प्रबलता पर कोई चेंज नहीं होगा, अगर समांतर कटेगी कोई चुंबक तो ध्रुवण प्रबलता आधी हो जाएगी, उसकी जो लंबाई होगी, जो प्रभाव पड़ेगा उस पर कटने पर, उसकी प्रभावी लंबाई, उसकी जो पहली लंबाई थी उसकी 5/6 गुनी हो जाएगी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। अभी तक वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखे गाइस। अब मैं बात करता हूँ इस टॉपिक की जिसका नाम है चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इससे पहले आप सभी जानते हो भैया जी हम पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब तक मैं आपको मैग्नेट पढ़ाता हूँ उससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक जरूर पढ़ाता हूँ, ताकि आपको एकदम ध्यान आ जाए कि हमने कुछ ना कुछ 12th क्लास में पढ़ रखा है। तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने 12th क्लास में क्या पढ़ रखा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप सभी जानते हो पी बराबर होता है क्यू इंटू टू एल, क्या होता है पी बराबर क्यू इंटू टू एल। अब पी बराबर क्यू इंटू टू एल कैसे आएंगे, सीधी सीधी सी बात है, एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज, दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर 2L ले रखी है, ये भाई बीच की दूरी है, जो दो गुना नहीं है लंबाई की, दो गुना नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। आधे बच्चे तो यहीं पर गलती करते हैं कि अगर उन्हें लंबाई दे दी आवेशों के बीच की दूरी 5, तो वो क्या काम करते हैं 2 × 5, नहीं जी। अगर कोई द्विध्रुव की बात कर रहा है, कोई द्विध्रुव है जिसकी बीच की दूरी 5 है, तो उस द्विध्रुव के लिए जो 2L है तो वही उसकी लंबाई है। ये क्या है, यही जो है यही लंबाई है, यही है लंबाई। तो आप समझ रहे होंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पढ़ा नहीं रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसे उतारना चाहो तो आप उतार सकते हो, नहीं तो आपके याद रही, लेकिन मेन पॉइंट है हमारा विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण जिसको बोलते हैं। साथियों, मैं नेक्स्ट चलता हूँ और जिसमें मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा इसकी चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। बस आपको एक ही बात याद रखनी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस यहाँ आपको दो लाइन बनानी है, एक में लिखना है, एक में लिखना है चुंबक के कारण, चुंबक के कारण चुंबक के आघूर्ण, एक में लिखना है कुंडली के कारण, एक में लिखना है कुंडली के कारण चुंबक के आघूर्ण। समझ गए होंगे आप मेरी बात, कुंडली का मतलब ये है और चुंबक का मतलब ये है, एक एन है एक एस है, इनके बीच की लंबाई एल है, एक एन है एक एस है, इनके बीच की लंबाई एल है, और यहाँ पर ध्रुवण प्रबलता होगी स्मॉल एम होगी या नहीं होगी, ये आसान है समझना, क्योंकि साथियों मैंने इससे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बता दिया, इसलिए ये आसान है समझना।
चुंबक के लिए आसान है, समझो ध्यान से, फिर उसके बाद आप कुंडली के लिए तो आराम से निकाल लोगे, देखते हैं कैसे। अब मुझे पता है जिस तरीके से q into 2l होता है, क्या होता है q into 2l होता है, आप सभी जानते हैं q into 2l होता है, उसी तरीके से q की जगह क्या आएगा m, इसकी जगह क्या आएगा l, भाई बीच की दूरी 2l थी, 2l आ गया, इसके बीच की दूरी l है तो l आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं कर देता हूँ कि जो हमारा चुंबक क्या गुण होता है, m बराबर स्मॉल m into l, स्मॉल m into l। तो आप मुझे बताइए क्या आपको समझ आया या नहीं आया। हम सभी जानते हैं कि इसकी जो मात्रक होता है ये होता है एम्पियर इंटू मीटर, और लंबाई का भी मीटर होता है, जिसके कारण इसका मात्रक बनता है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं वीमा की, तो वीमा आप सभी जानते हो ए एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर। नूं बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सरल, इससे सरल आपको कोई नहीं समझाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ गाइस, इससे सरल आपको अगर कोई समझा दे तो मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि साथियों अगर आपको एक कनेक्ट नहीं किया जा रहा पिछले टॉपिक से जो आपके याद है, तो आपके जो याद नहीं है वो याद नहीं होगा। तो मैंने आपको कनेक्ट कराया विद्युत ध्रुव आघूर्ण से, मैंने आपको चुंबक का आघूर्ण बताया, तो ये आसान था, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब मैं बात करते हैं हम यहाँ पर कोई कुंडली है, अब मुझे बताइए जब कुंडली है तो कुंडली में फेरे जरूर होंगे, बिल्कुल भैया जी, मान लिया एन फेरे की कोई कुंडली है, मान लिया एन फेरे की कोई कुंडली है, अगर जब जो है तो इसकी जो विद्युत बल रहा है आप देख रहे होंगे, तो इसका क्षेत्रफल भी कुछ ना कुछ होगा, तो जिसके कारण कुंडली के लिए हमारा होता है एम बराबर एन ए आई, इसमें आई धारा बह रही होगी कुंडली में, और इसका क्षेत्रफल ए होगा, जिसके कारण हमारे फॉर्मूला बनता है एन ए आई। अब अगर मैं बात करूं इसका और भी थोड़ा सा सॉल्यूशन एन इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई, तो नू बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए बिल्कुल याद रखना है आपको, कैसे याद रखोगे, ट्रिक सुनो ट्रिक, बिना ट्रिक के आप याद रखोगे तो भूल जाओगे। अगर चुंबक के लिए पूछ रहा है तो एम एल मोहन लाल चुंबक के लिए क्या है, मोहन लाल, बस याद रखो गाइस, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ मोहन लाल। और कुंडली के लिए आपको याद रखना है नाई, आप देख रहे होंगे नाई एन ए आई, तो आप देख चुके हो कि मोहन लाल जो है वो चुंबक के लिए है एम इन टू एल मोहन लाल, और कुंडली के लिए है नाई एन ए आई। अब आपकी बात है आप किस तरीके से इसको समझते हो, अगर जैसे मैंने समझा ऐसे ही समझोगे तो काफी टाइम तक आपको याद रहने वाला है। उसके बाद अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो जब यो चुंबक के आघूर्ण है यो भी चुंबक के आघूर्ण है, तो इसका मात्रक भी यही होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे, क्योंकि इसका मात्रक कुछ नहीं, इसका मात्रक कुछ नहीं एम्पियर, इसका मीटर स्क्वायर इसका, और इसकी बीमा भी ए एल स्क्वायर होगी। तो आप मुझे बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स को पढ़ना कितना आसान है। अगर आप सभी जुड़ जाओगे, जब आपको पता चल जाएगा कि फिजिक्स को पढ़ना कितना आसान है, तो गाइस आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े टॉपिकों को, बड़ी बड़ी वीडियो को आसान तरीके से देखोगे, ताकि आपको एक मजा आ जाए। देखिए ये जो आपके सामने लिखा है ये कनेक्ट कराया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड से, लेकिन पढ़ा क्या रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, बस गाइस यही डिफरेंट है, यही डिफरेंट है कि हम 12th क्लास में क्या पढ़ते हैं, एयरफोर्स में हमें क्या पढ़ने को मिलता है, यही बनेगा जी कॉन्सेप्ट। आप प्रैक्टिस सेट उठा के देखना जब आपका एग्जाम हो, या अभी भी उठा के देखना, कहीं ना कहीं अगर चुंबक से क्वेश्चन बनता है तो ये चुंबक क्या गुण, जिसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट जरूर बनता है। और यहाँ तक कि नहीं, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो है जब हम किसी चुंबक को लंबवत काटेंगे और समांतर काटेंगे। जिस तरीके से ध्रुवन प्रबलता को हमने लंबवत काटा, समांतर काटा, और ध्रुवन प्रबलता पर प्रभाव देखा हमने, ध्रुवन प्रबलता पर प्रभाव देखा चुंबक के लंबवत और समांतर कटने पर, उसी तरीके से हम चुंबक के लंबवत और समांतर कटने पर
चुंबक के आघूर्ण में प्रभाव देखेंगे कि चुंबक के आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो सेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप हमारा साथ दोगे हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम नई नई वीडियो, नई नई कॉन्सेप्ट और कमाल के कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करें। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।